करना अभिजीत दिख रहा है ना? सब दिख रहा है। तो गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और तो शाम के बज रहे हैं 4, तो गुड इवनिंग हो गई है। तो देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ अपनी ज्वेलरी पे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास कितने जेवर हैं और ससुराल के कितने हैं, मेरे खुद के कितने हैं, तो आज आपको बता रही हूँ। तो देखिए ये वाले गुच्छा है। तो ये गुच्छा जो आप देख रहे हैं, ये गुच्छा मेरी शादी में मेरी दीदी की जिठानी ने दिया था, और एक गुच्छा मेरे को खुद को मिला था। तो मतलब दीदी की जिठानी ने दिया था और दीदी ने, तो दीदी वाला गुम गया है, ये उनकी जिठानी वाला गुच्छा है। तो पहले ऐसे लगाती थी मैं, इसको थोड़ा साफ भी करवाना है। तो ये मेरा मायके का है। और आप ये पायल देख रहे हैं, ये वाली पायल, तो ये वाली जो पायल है मेरी, ये मैंने ली थी अभी, मतलब 5-6 साल पुरानी पायल है ये, 2019 के पहले की पायल है। तो ये मात्र 1300 रुपए की थी, एक जोड़ी ये है। और ये जो पायल आप भी देख रहे हैं, ये पायल भी मैंने अपनी बेटी के लिए ली थी। तो ये बड़ी सुंदर पायल है, तो वो पहनती नहीं है बट मैंने लेकर रख ली थी। तो ये देखिए, दो जोड़ी पायल ये हो गई है। और एक पायल देखिए, आप देख सकते हैं, एक पायल ये मैंने ली थी 2011 में, ये थी 7,500 की पायल। अभी तो कम से कम 20,000 की आएगी ये पायल, तो काफी हैवी भी है ये। और देखिए ऐसे पहनते हैं इसको, तो काफी हैवी पायल है ये। तो इसको रखा है मैंने संभाल के, कभी दुख तकलीफ में ये चीजें हमारे साथ आती हैं, जब हमारे पास पैसे नहीं है तो यही चीजें काम आती है। तो इसको रखा है मैंने संभाल के। और आप ये वाली पायल देखिए, ये वाली पायल भी बड़ी सुंदर है। तो ये मैंने अभी ली थी, ये हमारे घर इनॉग्रेशन थी जब ली थी, तो ये 4,500 की ली थी। और ये वाली पायल आप देख रहे हैं, ये वाली पायल मैंने नहीं ली थी, मेरी मम्मी के यहाँ से। जब हमारे यहाँ क्या होता, जब कोई एक्सपायर होता तो गऊदान करना रहता, तो गऊदान कर रहे थे मेरे पापा। तो ये पायल मेरी भाभी ने मतलब बोला था, गऊ जैसे ही गई है जनेगी तो हम आपकी लड़की को कुछ लेके दे देंगे, तो ये पायल उन्होंने भेजी थी। और एक जोड़ी पायल आप देख सकते हैं, ये नई पायल ये है, एक जोड़ी चांदी की। तो चांदी का ये है कि भैया देखो क्या होता है, आप जितने की लेते उतने में नहीं जाती, ये बहुत कम दाम में जाती है। तो चांदी लेने से कोई फायदा भी नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए। तो ये नई पायल मैंने ली थी, ये इसको हो गए 3 साल, तो 3 साल से रखी हुई है, मैं अपनी बेटी को दे दूंगी इसको। और एक देख सकते हैं आप, ये चेन है। तो ये चेन मेरी बेटी को दी थी, मतलब उनकी जो फ्रेंड लोग हैं कॉलेज में, सीए कर रही थी, उन्होंने दी थी। तो ये चेन भी रखी हुई है, उसने पहनी नहीं है अभी। और ये शायद उसका है, ये गिर गया है, ये पायल का है, तो इसमें रख देती हूँ। और ये देखिए मैंने चांदी की अंगूठी बनाई थी बड़े शौक से, मुझे शौक था चांदी का पहनने का। तो मेरी सूर्य की राशि है इसलिए चांदी बोल रहे पहनते नहीं, तो मैंने उतार के रख दी इसको। और ये बिछिया अभी मैंने लिए थे राखी के टाइम, तो ये 800 रुपए की बिछिया आए थे। तो ये भी देखिए चांदी चांदी मेरे पास। और ये पायल मैंने ली थी कम से कम, इसको भी हो गया 8-10 साल हो गए ये पायल को, तभी से ऐसी रखी हुई है, इतनी पुरानी पुरानी चांदी मेरे पास रखी हुई है। तो ये पायल मैं कभी कभी पहनती हूँ। तो ये 6,500 की पायल थी मेरी। और आप देख सकते हैं, ये इसको आपके यहाँ तगड़ी बोलते, हमारे यहाँ करधन बोलते। तो ये करधन मैंने कम से कम 20 साल पहले ली थी, जब मतलब मेरे शादी के जितने भी गहने छुड़ा लिए गए थे, तो उसके बाद ये मैंने करधन ली थी पहनने के लिए। बड़ा शौक था उस समय पहनने का, बट अभी उस इतने सालों से मैंने पहनी नहीं है। तो ये मात्र मतलब होगी उस समय कितने की थी, 5,000 की ना, ऐसे ही कुछ थी 5,000 की। तो ये पड़ी हुई है, चिल्लर से खरीदी थी, चिल्लर से। तो और देखिए ये मंगलसूत्र था, ये मैंने बनाया था, इसका पेंडन काफी भारी है। और ये जो मोती आप देख रहे हैं, ये 14 मोती है, और छोटे छोटे पूरे मोती मिला के 28 मोती हैं। तो ये जो छोटे मोती आप देख रहे हैं, ये मैंने राखी के पैसों से लिए हैं, और ये बड़े वाले एक ही बार में लिए थे, तो ये मेरी खुद की अर्निंग से है ये वाले। और ये देखिए बिछिया काफी रखे हुए हैं, ये छोटी छोटी चीजें तो बहुत सारी है मेरे पास, एक जोड़ी बिछिया ये रखा हुआ है। और देखिए ये जो मोती की अंगूठी आप देख रहे हैं, तो ये मोती की अंगूठी हमने अपनी बेटी के लिए बनवाई थी,
बट क्या है वो इतनी नकरीली लड़की है, वो बोलती मैं अब पहनना नहीं है मोती, उसने कुछ दूसरे नंग पहन लिए थे तो ये हमने रख दी थी। और ये वाली देख सकते हैं आप, बीजा सन बोलते हैं जिसको माता, तो ये है बस मेरे ससुराल की, तो इसको मैं कभी कभी डाल लेती हूँ। बोलते हैं हमारे यहाँ जब शादी होती तो फर्स्ट नंबर पे इसी को चढ़ावा में चढ़ाया जाता है, तो इसको लाली माला उसमें सॉरी लाल धागे में या लाल मोती में ही पहनना पड़ता है, तो इसको मैंने लाल मोती में गुथवा के रखा है। और रही ससुराल के जेवर की बात, तो मेरे ससुराल में क्या हुआ, देखिए मेरी जिठानी को जो जेवर चढ़ाया गया था तो वो एक एक कंगन थे, फिर मेरे को बनाया गया तो मुझे दो दो कंगन थे, बेली थी, हार था और पायल थी, पांवजेब थी, करधन थी, सारा चीज थी, बट हमारे पास कुछ नहीं है, उनका सारा ले लिया था मेरे, मतलब मैं तो पहन ही नहीं पाई थी, मतलब थोड़े दिन ही पहना था तो सासू माँ को रखने को दे दिया था, तो उन्होंने सारा रख लिया था। फिर उसके बाद हमको कोई जेवर नहीं मिला, सारी जवानी बिगर जेवर के निकल गई है, अब तो आधा बुढ़ापा आ गया समझिए, 32 साल की एज हो, सॉरी 32 साल हो गए शादी को। और जो जेवर क्या होता है, यदि आप एक दूसरे को चढ़ा भी देते हो तो वो जेवर का लास्ट में जब शादी होती है, जैसे लास्ट बेटा रहता है तो उसके बाद सब चीजों का बंटवारा होता है, बट किसी चीज का बंटवारा नहीं हुआ, जेवर तो नाम मात्र कुछ भी नहीं है। मैंने जो बताया आपको, ये जो पायल होती है ना, ये पायल ये भी छुड़ा ली थी, मतलब पैर की पायल तक निकाल लेते हैं हमारे यहाँ बहू की, तो वो पायल भी नहीं है हमारे पास, वो भी रख ली थी, कुछ भी नहीं है मतलब ससुराल का, तो ये सारा मेरा बनाया हुआ है ये सब। और जो हार मार सब दिखावे के लिए चढ़ा दिया था, तो हमारे यहाँ सब लोग बोलते थे, मेरी फ्रेंड लोग, तेरे को बहुत सारा गोल्ड आया है, पर कोई मतलब का गोल्ड नहीं है, पर बोलते हैं जब शादी हो जाती सब बेटों की तो आपको तोड़ के जितना जितना चीजें आती है सारी बहुओं में डिवाइड कर देना चाहिए। बट हमारे यहाँ अभी देखिए हम लोग 3 ही बच्चे हैं और एक तो एक्सपायरी हो गई है, तो उसका देखो वो चली गई है, उसने भी नहीं पहन पाया, कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए समय रहते हैं ना सबको देना चाहिए मतलब जेवर की। बाकी तो हमने सब बना लिया था, बट ये था कि ससुराल की चीजें जो होती हैं वो स्त्री धन होता है, तो स्त्री धन पे सारे जो बहुएं होती है उसका अधिकार होता है, बट हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब हमको पता भी नहीं है क्या है क्या नहीं है, और हमको लग रहा है अब वो हमको मिलना भी नहीं है। तो यही सब था मेरे पास। तो फ्रेंड वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये तो इंसान को खुद सोचना चाहिए कि हम बहुओं का पूरा जेवर उतरवा रहे हैं, उनको नंगा कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। बाकी हमारी दीदी की जो लोग हैं उनके यहाँ पे उनकी 3-3 बहुएं थी, सबको अलग अलग चढ़ाया जेवर, उनका सबका अपने अपने सेपरेट है, किसी का मतलब किसी ने नहीं लिया है, बल्कि हमारी दीदी लोग के पास जेवर नहीं है, बट बहुओं को पूरा जेवर चढ़ाया है। यहाँ पे भी एक दीदी और है मेरी, उनने भी पूरा जेवर चढ़ाया, और मेरे भैया के यहाँ भी यही है, हमारे यहाँ सबको अलग अलग ही चढ़ाया जाता, कोई ऐसा नहीं करता कि मतलब सारा जेवर निकलवा लिया जाए। तो फ्रेंड देखिए वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, यदि वीडियो आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा था तो मुझे एंड करना पड़ेगा यहीं पे। बाय बाय।